हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एंचेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आज की एनर्जी थीम फॉर टुडे भी जानेंगे और साथ ही साथ करंट ओवरऑल एनर्जीज का शिफ्ट आप सभी के लिए क्या कहता है ये भी हम देखते हैं गाइस। तो बने रहिए इस वीडियो पर, इस चैनल पर। अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का स्वागत है गाइस। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं कार्ड्स की तरफ। सबसे पहले यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जीज को ग्रैप करते हैं। ये आपको सिक्स ऑफ फायर इन द वर्ल्ड वाली एनर्जीज में देखते हैं। हो सकता है या तो आपने एक डिस्टेंस इनसे बना लिया है और अपने लाइफ में आप बहुत ज़्यादा एक्सेल करते हुए नजर आ रहे हो। अगर मान लो आप करियर फ्रंट पर बहुत ही ज़्यादा शाइन कर रहे हो, आप दोनों एक ही ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, तो आपका जो करियर फ्रंट है वो एक रिकग्निशन में कन्वर्ट हो रहा है। आपको बहुत सारे लोग आपको वाहवाही दे रहे होंगे आपके वर्क के लिए। और अगर नहीं, सोशल मीडिया से आप एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो तो हो सकता है सोशल मीडिया पर आप बहुत ज़्यादा शाइन कर रहे होंगे। आपको बहुत सारे लोग पसंद कर रहे होंगे। एक तरह की फेमस पर्सनालिटी आप में देख रहे हैं कि आप अपने वर्ल्ड में जो भी आपने एक दुनिया बनाई हुई है, भले वो एक फ्रेंड्स या अपने करीबी लोगों के साथ एक दुनिया बनाई हो सकती है, या फिर इवन बहुत लोगों के लिए एक कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन की दुनिया हो सकती है, या फिर काफ़ी अदर लोगों के लिए एक म्यूचुअल ग्रुप ऑफ पीपल, जैसे कि व्हाट्सएप ग्रुप हो गया या फिर कहीं और जहां पर आप हैंग आउट करते हो, तो ऐसी किसी दुनिया में आप इनको बहुत ज़्यादा शाइन करते हुए नज़र आ रहे हो। और काफ़ी सारे अदर लोगों के लिए ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये आपका स्पिरिचुअल वर्ल्ड होगा, आपकी अपनी दुनिया होगी जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे, रिलैक्स्ड होंगे, कंटेंटेड होंगे। यू आर जस्ट शाइनिंग लाइक अ स्टार हियर, और ये चीज़ आपके पर्सन के अंदर एक तरह की इनसिक्योरिटी क्रिएट कर रही है। वजह ऐसी हो सकती है गाइस कि मान लो अगर ये सब करते हुए आप इनसे एक डिटैचमेंट बना रहे हो, मतलब आप अपनी दुनिया पर फोकस्ड हो, जहाँ पर भी आप बढ़ रहे हो आप वहाँ पर अगर खुश इनको नज़र आ रहे हो, तो हो सकता है इनसे आप ज़्यादा बात नहीं कर रहे होंगे, इनसे आप एक एनर्जी एक्सचेंज में नहीं आ रहे होंगे, जिसके चलते आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि कहीं ये आपको खो ना दें, कहीं ये आपको लूज आउट ना कर जाए। और मुझे ऐसा लगता है कि ये आपकी या तो ट्रिक है, इन्हें आप ट्रिगर करना चाहते हो, इन्हें आप एहसास दिलाना चाहते हो अपनी कमी का, या फिर आप ये एटलीस्ट इनको शो करना चाहते हो कि इनके बगैर भी आप खुश रह सकते हो, तो यस, आपकी एनर्जीज यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव मुझे नज़र आ रही है। आपके पर्सन इसी लाइट में आपको देख रहे हैं। एंड आप ऑन द अदर हैंड इन्हें फाइव ऑफ वाटर की एनर्जीज में देख रहे हो, तो आपको पता है आपने जो भी यहाँ पर डिसीजन लिया है, इस डिसीजन से आपके पर्सन खुश नहीं है। अगर आपने करियर को चूज़ किया है इनके ओवर, तो आपके पर्सन इस बात को लेकर खुश नहीं है। ये चाहते हैं कि आप इनके साथ एक को डिपेंडेंसी में रहें, इन पर डिपेंड करें, आप हर बात इनसे पूछ कर करें और हर बात के लिए आप इनके पास अवेलेबल रहें। तो यही वजह है गाइस कि आपको पता है कि इनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ आप कुछ करने जा रहे हो और वहाँ पर आप बहुत ज़्यादा शाइन भी कर रहे होंगे, और इस वजह से आप दोनों के बीच में एक तरह की कोल्ड वॉर है। मतलब ये खुलकर नहीं बोल रहे होंगे आपको कि आप जो कर रहे हो उन्हें पसंद नहीं आ रहा है, ये खुलकर नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हाँ इनके कुछ जेस्चर्स ऐसे होंगे, इनके कुछ हिंट्स ऐसे होंगे कि दे आर नॉट हैप्पी। और ये बिल्कुल भी आपसे ये ऐसा कुछ एक्शन एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि आप ऐसा भी कभी कुछ कर सकते हो, दे वे नॉट एक्सपेक्टिंग इट, बट फिर भी ऐसा हो रहा है तो शायद ये चीज़ इन्हें काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज कर गई और दे आर होपिंग कि आप कम बैक करें। फाइन, तो एक तरह की कोल्ड वॉर तो मैं देख ही रही हूँ, बट आपके पर्सन और आप में दोनों में ही एक जिद होगी, एक पावर कपल हो आप दोनों में, पावर स्ट्रगल है कि ये आप पर कंट्रोल करना चाहते हैं और आप इन पर कंट्रोल करना चाहते हो, तो कहीं से ये आपको चुरा कर वापस लेकर आना चाहते हैं और आपको कि इन्हें ट्रिगर देने के लिए, इन्हें एक सही रास्ते पर लाने के लिए शायद आप इनसे एक डिटैचमेंट में आना चाहते हो, और उस वजह से आप अपने आप को कहीं एक ऐसी डायरेक्शन पर चैनल कर रहे हो जहां पर या तो आप बहुत ज़्यादा एक्सेल कर रहे हो, आपकी क्रिएटिविटी वहाँ पर शाइन कर रही है, या फिर आप फेमस हो रहे हो वहाँ पर, मतलब यू आर जस्ट शाइनिंग देयर। तो इस तरह की एनर्जीज हैं गाइस
इट इज लीडिंग टूवर्ड्स द सेवन ऑफ फायर एनर्जीज. तो ऑफकोर्स यहाँ पर सेवन ऑफ फायर की एनर्जीज में आप लोग प्रोसीड होने वाले हो, तो आप अपनी जिद को नहीं छोड़ने वाले हो गाइस. मतलब आपने कुछ ठान लिया है यहाँ पर, खास करके जितनी भी डिवाइन फेमिनेंस की एनर्जीज में बने हुए हैं यहाँ पर लोग, उन लोगों के लिए मैं यही कहूँगी कि आपने जब कुछ डिसाइड किया होता है तो आप बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो, स्टबन हो, और किसी चीज़ को अचीव करने के लिए आप किसी हद तक भी जा सकते हो. अगर ये आपके ईगो पर है बात, तो आप जो भी आपने टास्क लिया है अपने हाथों में, वो उस चीज़ को आप कंप्लीट करके ही रहोगे, भले आपको कितनी क्यों ना तकलीफ हो रही हो. एंड जस्ट लाइक दैट, आप अपने पर्सन को अगर ट्रिगर देने के लिए ये सब कुछ कर रहे हो गाइस, तो आप यहाँ से हारोगे नहीं. मुझे ऐसा लगता है कि आपने जो भी टास्क लिया है अपने हाथों में, उस चीज़ को आप कंप्लीशन की तरफ पहुँचा कर ही सांस लोगे, और जैसा रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वैसा ही रिजल्ट आप यूनिवर्स से क्लेम कर रहे हो, छीनना चाहते हो आप यूनिवर्स से कि इस पर मेरा बहुत ज़्यादा एफर्ट है, इस पर्टिकुलर सी चीज़ पर, और मुझे ये चाहिए तो चाहिए. आप एक ज़िद में आ गए हो या फिर आप ज़िद में आने वाले हो. ये जो चीज़ है ये पैशन में कन्वर्ट होगा, और पैशन के साथ साथ एक ज़िद में कन्वर्ट होगा, और जब कुछ ज़िद में चला जाता है गाइस, तो वो चीज़ यूनिवर्स के लिए एक चैलेंज बन जाती है, और यूनिवर्स को वो आप के लिए लाकर देना ही पड़ता है. तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर एक शिफ्ट आप लोगों के लिए प्रोसीड होने वाला है. ऑलराइट, तो अब देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट ओवरऑल एनर्जीज आपको लेकर क्या कहती हैं. नाइन ऑफ वॉन्ट्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द हायरोफेंट, किंग ऑफ सोर्ड्स, द हाई प्रिस्टेस एंड द स्ट्रेंथ वाली एनर्जीज में ये आपको देख रहे हैं. यानी कि ऑफकोर्स यहाँ से ये गिव अप नहीं करना चाहते. मतलब अगर ये ट्रिगर इनके लिए नेगेटिवली एक्ट भी कर रहा है, तो मे बी दे आर पेशेंटली वेटिंग फॉर योर नेक्स्ट एक्शन और नेक्स्ट मूव, और तब तक ये शायद अपने अंदर वो एक संयम या फिर वो स्ट्रेंथ बना कर रखना चाहते हैं, और ज़्यादातर ये अपने इंट्यूशंस को सुनना चाह रहे हैं. मतलब ये जो पर्सन है गाइस, ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन हो सकते हैं, जो कि अवेकन है, और इन्होंने भी अपने डार्क नाइट ऑफ द सोल से बहुत सारी चीज़ें लर्न की होंगी. ये भी एक बहुत ही डार्क फेज देख कर आए अपने ज़िंदगी का, और इनको पता है कि आप इस तरह से बिहेव क्यों कर रहे हो. अगर आपको इन्हें ट्रिगर देना पड़ रहा है, तो आपके हालात क्या रहे हैं, आपके पर्सन इस बात को बहुत ही ब्यूटीफुली अंडरस्टैंड करते हैं. तो इट इज़ ऑल अबाउट द अंडरस्टैंडिंग. तो आपके पर्सन यहाँ पर अपनी विजडम का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, एज वेल एज अपनी इंट्यूशन का भी इस्तेमाल कर रहे हैं. मे बी इनका हायर सेल्फ इन्हें कुछ डाउनलोड शो कर रहा है गाइस, जहाँ पर हो सकता है इस कनेक्शन से रिलेटेड ये कोई इंफॉर्मेशन शायद रिसीव कर पा रहे होंगे फ्रॉम द यूनिवर्स, फ्रॉम द गॉड, और इनको अपना नेक्स्ट एक्शन प्लान करने के लिए यहाँ पर टाइम मिलेगा. और ये हो सकता है कोई गोल सेट कर रहे हैं आपको लेकर, या फिर इस पर्टिकुलर से सिचुएशन को लेकर. इनके लिए कोई चीज़ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, आपने इनकी तरफ लिटरली कोई टास्क दिया है, और आप लोग ऐसा इसलिए कर रहे होंगे गाइस कि एक टाइम फ्रेम तक आपने बहुत ही सीधे तरीके से एफर्ट रखा, और जब चीज़ें उस तरह से टर्न नहीं हो रही थी, तो शायद आपने अपना तरीका बदल दिया, आपने एफर्ट को चेंज कर दिया, पर्सपेक्टिव यहाँ पर आपने बदल दिया कि जब चीज़ें सीधे तरीके से नहीं हो रही तो हमें टेढ़े बनना पड़ेगा. तो शायद आप इस वजह से कोई टेढ़ा सा एक्शन ले रहे हो इनके लिए, नॉट लाइक इन जनरल कोई टेढ़ा काम नहीं कर रहे हो आप. मतलब ऐसा हो सकता है ना कि इनके मर्जी के खिलाफ आप कुछ कर रहे हो, जिसकी वजह से इस पर्सन के अंदर एक ट्रिगरिंग छिड़ गई है गाइस, और आपके पर्सन इस पर्टिकुलर सिचुएशन को बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंस के साथ, एक विजडम के साथ और एक इंट्यूशन के साथ हैंडल करना चाहते हैं. दे आर वेटिंग वेरी पेशेंटली, और इनको पता है कि इनका पेशेंस भी बहुत ही ज़्यादा आपके लिए ओवरवेलमिंग होता है एट टाइम्स, क्योंकि जब आपके पर्सन पेशेंस में चले जाते हैं, तो इनके जितना परसिवरेंस आपके अंदर नहीं होगा, आप यहाँ पर इम्पल्सिव होंगे. लेकिन आपके पर्सन की बात मैं यहाँ पर करूँ, तो आपके पर्सन आपसे ज़्यादा पेशेंट हैं. तो यही वजह है कि ये कुछ ऐसा रास्ता यहाँ पर अपनाने वाले हैं कि ये इंतज़ार करेंगे आपके नेक्स्ट एक्शन का, या फिर जो भी आपने
इनको दिखाना चाहा है, जो भी आपने यहाँ पर एक शो सेट किया हुआ है, ये इस शो को फ्रॉम द फार एक ऑब्जर्वेंट की तरह ऑब्जर्व करेंगे रादर टेकिंग एनी एक्शन. दे विल वेट, वो बोलते हैं ना, ये उस वक्त तक वेट करेंगे जब जब तक पानी इनके सर तक ना पहुंचे, यू नो, और तब शायद ये कोई एक्शन लेंगे. और ऐसा कोई यहाँ पर इवेंट टर्न होगा, क्योंकि हमने आपकी एनर्जी 7 ऑफ फायर की देखी है, तो आप उस वक्त तक अपनी जिद नहीं छोड़ोगे जब तक आपके हिसाब से यहाँ पर इवेंट्स टर्न नहीं होते. तो शायद ये एक कह सकते हैं ना, 1-to-1 यहाँ पर एक बैटल या वॉर छिड़ गई है गाइस, कि कोई यहाँ पर हारना नहीं चाहता. और ये एक ऐसी वॉर है जहाँ पर आप अपनी मर्जी की कर रहे हो और आपके पर्सन चाहते हैं कि आप इनकी मर्जी की करें, यू नो. तो आई एम श्योर कि ये जो वॉर है, ये बहुत ही ब्यूटिफुल वेज में टर्न होने वाली है गाइस. मुझे बड़ा मज़ा आएगा. आई वुड लव टू सी के वॉट कैन बी द आउटकम हियर, यू नो. तो आप लोगों की एनर्जीज यहाँ पर बनी हुई हैं. द जजमेंट, नाइट ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, द मेजिशियन एंड द टेम्परेंस. तो यहाँ पर आप मेजिशियन बनना चाहते हो, मतलब आपने बहुत सारी चीज़ों को अपने एंड पर कंट्रोल करके रखा है. आपको पता है कि आपके पर्सन क्या चाहते हैं यहाँ पर, लेकिन इनके विरुद्ध जाकर या इनके खिलाफ जाकर, इनकी मर्जी के अगेंस्ट जाकर आप कुछ ऐसा कर रहे हो जहाँ पर हो सकता है आप किसी मैनिफेस्टेशन पर वर्क कर रहे हो. मतलब मान लो, अगर आपने इनको छोड़कर, एक इमोशनल कनेक्टिविटी को छोड़कर आपने प्रैक्टिकल वर्ल्ड चूज़ किया है तब भी, अगर आपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड चूज़ किया है तब भी, तो दो तरह की सिचुएशन हो सकती है. इस पर्सन के साथ एक इमोशनल कनेक्टिविटी में रहने के बजाय आपने, हो सकता है, अपने करियर को चूज़ किया है और वहाँ पर आप बहुत ज़्यादा एक्सेल कर रहे होंगे. या फिर जो दूसरी बात ये हो सकती है कि आपने इस पर्सन के साथ इमोशनल कनेक्टिविटी को छोड़कर एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड को चूज़ कर लिया है जहाँ पर भी आप एक्सेल कर रहे हो. तो दोनों ही वेज में आपको पता है कि आपके पर्सन ये सब नहीं चाहते थे. आपके पर्सन ये चाहते होंगे कि आप इनके साथ जिस भी तरह से एक कनेक्टिविटी में बने हुए हो, वैसे ही आप इनके साथ बने रहें और इस कनेक्शन को आगे की तरफ प्रोसीड करें. लेकिन हो सकता है इनके अकॉर्डिंग चीज़ें आप नहीं कर रहे होंगे और इस वजह से आप दोनों के बीच में एक कॉन्फ्लिक्टिव सिचुएशन है यहाँ पर, जो कि दिखा नहीं रहे होंगे आपके पर्सन कि ये नाराज़ हैं आपसे या फिर ये रूठे हुए हैं, ऐसा दिखा नहीं रहे होंगे, लेकिन हिंट्स पूरे दे रहे होंगे कि दे आर नॉट हैप्पी विथ वॉट एवर यू गाइज आर डूइंग. यू नो, अगर आप सोशली भी बहुत ज़्यादा फेमस हो रहे हो, जैसे कि मान लो, अगर आप अपने सोशल प्रोफाइल पर अपनी कुछ फोटोज़ या कुछ ऐसे पोस्ट्स वगैरह क्रिएट करके आप एक फेमस पर्सनालिटी बनने की कोशिश कर रहे हो, जहाँ पर हो सकता है आपके पर्सन एग्री नहीं करते, बट फिर भी आप ये कर रहे हो ताकि इनको आप ट्रिगर दे सकें और आप अपनी क्रिएटिविटी पर एक्सेल कर सकें. तो ऐसा कुछ तो आप कर रहे हो जो कि एक रिस्क है आपके लिए. आपके लिए वो एक एडवेंचर से कम नहीं है, बट आप वो करना चाहते हो क्योंकि आप अपनी लाइफ को एक पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ पुश करने की कोशिशों में जुटे हुए हो, यू नो. तो आपने कोडिपेंडेंसी यहाँ से हटा दी, आप एक जिद में आ गए हो और आप एक स्टबर्न पर्सनैलिटी हो, और आपने जब कुछ सोच लिया है आप उसी तरीके से चीज़ें करने लगोगे. तो टेम्परेंस चाहते हो आप, एक तरह का बैलेंस चाहते हो अपनी ज़िंदगी में भी. अपनी ज़िंदगी में इस तरह का बैलेंस चाहते होंगे ना कि प्रैक्टिकल वर्ल्ड भी आपके हाथ में रहे, इमोशनल वर्ल्ड भी आपके हाथ में रहे और एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड भी आप ही के हाथ में रहे. तो इस तरह का बैलेंस आप शायद बनाना चाहते हो अपनी लाइफ को ग्रो करने के लिए. नो डाउट आप यहाँ पर सेल्फिशली एक्ट कर रहे हो गाइज, लेकिन ये सेल्फिशनेस गलत नहीं है, नेगेटिव नहीं है, टॉक्सिक नहीं है. यू नो, जब आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो तो वो चीज़ टॉक्सिक कैसे हो सकती है, गेटिंग माय पॉइंट. तो शायद आप जो भी कर रहे हो वो अपनी भलाई के लिए कर रहे हो, अपने बेटरमेंट के लिए कर रहे हो, जो कि आपके पर्सन को पसंद तो नहीं आ रहा है. लेकिन हाँ, यहाँ पर इवेंट्स ऐसे ही टर्न होने थे. जैसा भी आप जो भी कुछ कर रहे हो, ये डेस्टाइन था, आपको ऐसे ही करना था गाइस. इसीलिए यूनिवर्स आपसे ये सब कुछ करवा रहा होगा, आप ना चाहते हुए भी ऐसी डायरेक्शन पर चल पड़े हो.
जहाँ पर आपके पर्सन की मर्जी नहीं है आपके साथ, यू नो। तो ऐसी एनर्जी मैं देख रही हूँ फाइनली वेयर दिस सिचुएशन कैन लीड, ये हम देखते हैं गाइस। तो यहाँ पर एनर्जीज अपीयर हुई हैं द जस्टिस, द लवर्स, द चैरियट, किंग ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ कप्स, द सन एंड थ्री ऑफ कप्स। तो जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप एक जिद पर अड़े रहोगे तो यूनिवर्स आप लोगों के लिए एक जस्टिस जरूर लेकर आएगा, क्योंकि जस्टिस आपके साथ नहीं हो रहा था शायद, इसीलिए शायद आपने इस पर्सन को ट्रिगर देने की ठानी है, और जिसके चलते यूनिवर्स आपके लिए इस तरह का जस्टिस लेकर आ रहा है कि आप जो चाहते हो यहाँ पर वैसा ही एक इवेंट टर्न होने वाला है, क्योंकि आपके पर्सन आपके बगैर एक डिसकंटेंटमेंट में चैनल होने वाले हैं, एक बोरिंग जिंदगी में चैनल होने वाले हैं। मतलब अगर आप नहीं हो इनकी लाइफ में, अगर आप इन्हें अटेंशन नहीं देते हो, तो इनकी जिंदगी बहुत ही ज़्यादा एम्प्टी होगी गाइस। तो यही वजह है कि आपके पर्सन आपको कमबैक करवाने के लिए वो एक्शन ले सकते हैं जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार है। मतलब ये एक्शन यूनिवर्स प्लान कर रहा है, आप भले ही जिस तरह से भी एक्ट कर रहे हो, लेकिन फोर्स यहाँ पर यूनिवर्स का ही रहेगा। आप लोगों के लिए ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें डेस्टाइंड की गई हैं गाइस, कॉस्मिक प्लान है यहाँ पर, और उसी कॉस्मिक प्लान के तहत एक रीयूनियन मैं देख रही हूँ। बहुत लोगों के लिए ये यूनियन भी हो सकती है, अगर अभी तक आपके पर्सन ने इन द फिजिकल वर्ल्ड आपसे कभी ये मिले नहीं हैं, तो एक मीटिंग यहाँ पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और अगर ये सिर्फ और सिर्फ एक ऑनलाइन कनेक्शन था, तो फर्स्ट टाइम आप देखोगे कि इस पर्सन की तरफ से या तो आप एक इन्विटेशन एक्सपेक्ट कर सकते हो, एक गेट टुगेदर एक्सपेक्ट कर सकते हो, कि दिस पर्सन कैन आस्क यू आउट समवेयर फॉर अ गेट टुगेदर और अ डेट और वट एवर यू कॉल इट एज। तो यहाँ पर आपकी कोई एक डिज़ायर पूरी होने वाली है, आपको किसी वेज में एक जस्टिस मिलने वाला है। इस कनेक्शन पर अगर आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रखा है, तो वो एक एक्शन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो यहाँ पर, जिसके लिए आपने इतना सारा इन्वेस्टमेंट रखा है यहाँ पर। कुछ तो ऐसी चीज़ आप शायद चाह रहे थे यहाँ से, कि जिसके चलते आपको बहुत कुछ इन्वेस्ट करना पड़ा इस कनेक्शन पर, आपकी एनर्जी, अपना टाइम, अपने इमोशंस, अपना लव, अपना केयर, सब कुछ आपने यहाँ पर दिया होगा। बदले में आप कुछ तो एक्सपेक्ट कर रहे थे, है ना? तो जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो शायद आपको यूनिवर्स ग्रांट करके दे रहा है। जस्टिस आप लोग यहाँ पर अट्रैक्ट कर रहे हो बाय फॉलोइंग द पॉजिटिव डायरेक्शन। आप या तो एक स्पिरिचुअलिटी की तरफ चल पड़े हो गाइस, जिसके चलते यूनिवर्स इज ग्रांटिंग यू वन ऑफ योर विश, जो कि बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग अवेटेड आपकी कोई विश रही होगी, जिसके चलते आप द सन वाले एनर्जीज में आने वाले हो, यानी कि द अल्टीमेट हैप्पीनेस। ऐसी कौन सी चीज़ हो सकती है गाइस जिसकी वजह से आप एक द अल्टीमेट हैप्पीनेस में आ सकते हो? तो ऐसा ही कुछ आपके साथ होने वाला है। आपके पर्सन फाइनली इस कनेक्शन पर एक वो सीरियस एक्शन रख सकेंगे, क्योंकि आपके बगैर ये अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाएंगे गाइस। तो ऐसी एनर्जीज में देख रही हूँ। थ्री ऑफ कप्स टॉक्स अबाउट अ गेट टुगेदर, अ मीटिंग, रिकंसिलेशन, यू नो, और बहुत लोगों के लिए रीयूनियन भी है गाइस। फाइन, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में यूनिवर्स आपको क्या साइन देना चाहता है? तो यहाँ पर म्यूजिक वाली एनर्जीज अपीयर हुई हैं। तो हो सकता है ये पर्सन म्यूजिक के थ्रू आपका अटेंशन गैदर करने की कोशिश करेंगे। अगर आप इनसे वॉकअवे हो चुके हो, या तो ये म्यूजिकल वेज में कुछ सॉन्ग्स वगैरह आपकी तरफ सेंड कर सकते हैं, या फिर कुछ लिरिक्स या पोएटिक वेज में आपकी तरफ एक कम्युनिकेशन रखने की कोशिश कर सकते हैं। आपके पर्सन अगर बहुत ही ज़्यादा यू नो पोएटिक हैं, या एक इवन स्टोरी टेलर और वॉर एवर यू कॉल इट एज, अगर आपके पर्सन म्यूजिक से जुड़े हुए हैं, ये सिंगर हैं या म्यूजिशियन हैं, बहुत लोगों के लिए लिरिसिस्ट हैं, या इवन स्टोरी राइटर भी हैं, जो भी हैं, जिसके चलते हो सकता है ये आपसे कुछ कम्युनिकेट करना चाहेंगे। मीडियम ये अपना म्यूजिक रखेंगे, या तो लिरिक्स वगैरह से ये आपका अटेंशन गैदर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इट इज़ टोटली अप टू यू कि यहाँ पर आपका रिस्पॉन्स कैसे जाएगा। क्योंकि अगर आपने ठान लिया है कि आप इनसे को डिपेंडेंसी से हट कर कुछ नया करना चाहते हो अपनी लाइफ में, तो हो सकता है आप इनके इस अटेंशन पर आप इनके इस एक्शन पर कोई अटेंशन नहीं देना चाहोगे। फाइन, तो इट इज़ टोटली अप टू यू गाइस कि आप इनके इस एक्शन का क्या
रेसिप्रोकेशन या रिएक्शन देना चाहोगे, इट्स टोटली इन योर हैंड। फाइन, तो जस्ट जिस तरह से भी आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करती है, उसी वेज में आप यहाँ पर एक रिएक्शन रख सकते हो। अगर आपका मन कहता है कि आपको कुछ भी रिएक्शन नहीं देना चाहिए, तो आप ना दें। अगर आपको लगता है कि आपका रिएक्शन बनता है, तो आप दे भी सकते हो। लेकिन इस पर्सन को आपने ट्रिगर ज़रूर कर दिया है गाइस, और इस ट्रिगरिंग का एक बहुत ही ब्यूटीफुल रिवॉर्ड आपको यूनिवर्स देने वाला है। ऑलराइट, तो यही था आज के शिफ्ट में। आई डोंट नो कितने लोगों के साथ ये शिफ्ट रेजोनेट कर रहा है गाइस, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या ये आपका शिफ्ट है। इफ़ यस, तो हु इज़ दिस पर्सन, क्या ये आपके ट्विन फ्लेम हैं या फिर आपके सोलमेट हैं, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ऑलराइट गाइस, तो इस पर्सन की तरफ से एक चैनल सॉन्ग हम ज़रूर लेंगे गाइस। चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो। और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपने अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।